नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वन प्लस नॉर्ड टू का फ़ोन लेने के लिए सोच रहे हो तो वन प्लस नॉर्ड टू का फ़ोन लेने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसके बाद कभी आप लेने के बारे में क्या कभी आप सोचेंगे भी नहीं कि हमें वन प्लस नॉर्ड टू का फ़ोन लेना है। तो देख लीजिए, अभी जो ताज़ा न्यूज आया हुआ है वन प्लस नॉर्ड टू के बारे में, तो देखिए हम आपको सुना देते हैं कि इसमें क्या क्या न्यूज आया हुआ है। फोन फटने से गंभीर चोटें, बम की तरह फटा ब्रांड न्यू वन प्लस नॉर्ड टू 5G, जाने पूरी कहानी यूजर की जुबानी। वन प्लस नॉर्ड टू 5G में आग लगने के बाद ब्लास्ट होने से दिल्ली के एक यूजर को खासी चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। प्लस नॉर्ड सीरीज के फोन में लगातार ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही है। अगस्त की शुरुआत में वन प्लस नॉट 2 में आग लगने की खबर आई थी। अब एक बार फिर वन प्लस नॉट 2 5G बम की तरह फट गया है। वन प्लस नॉट 2 5G की नई घटना राजधानी दिल्ली में सामने आई है। दिल्ली के रहने वाले एडवोकेट गौरव गुलाटी का नया वन प्लस नॉट 2 5G में ब्लास्ट हुआ और उनकी जान बाल बाल बच गई है। भारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ बातचीत में गौरव गुलाटी ने बताया कि उनके नए वन प्लस नॉट 2 5G में उस समय आग लग गई जब वह अपने चैम्बर में थे। दिल्ली के 30,000 कोर्ट के चैम्बर में वन प्लस का यह फोन आग लगने के बाद बम की तरफ फट गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि उनके कोर्ट से धुआं निकल रहा है और जब तक कि वो कुछ समझ पाते फोन में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट से गौरव के पेट, कान और आंख में चोट आई है। उनका कहना है कि फोन में आग लगने के बाद निकले धुएं के चलते उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा उनकी आंखों से भी धुंधला दिख रहा है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और वे दवाएं ले रहे हैं। गौरव ने आगे बताया कि उन्होंने वन प्लस के खिलाफ पुलिस शिकायत कराई है और वह कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन भी लेंगे। गौरव ने फोन में ब्लास्ट के बाद ट्विटर पर भी पोस्ट किया था। इसके बाद वनप्लस ने उनसे संपर्क भी किया। गौरव ने हमसे बातचीत में कहा कि वनप्लस की तरफ से एक व्यक्ति उनसे मिलने आया था जिसने उनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए फोन अपने साथ ले जाने की बात कही, लेकिन गौरव ने पुलिस केस होने के चलते फोन देने से मना कर दिया। NBT ऑनलाइन के साथ बातचीत में इस पूरी घटना पर वनप्लस के रुख को लेकर गौरव असंतुष्ट दिखे और उन्होंने बताया कि फिलहाल वनप्लस की तरफ से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं की गई है। कंपनी चाहती है कि वह उन्हें फोन दे दे और उसके बाद वह जांच करेगी, तभी किसी तरह के हर्जाना देने के बारे में कुछ साफ होगा। लेकिन गौरव का कहना है कि उन्होंने फोन खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च की है, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह अपनी जेब में अपना डेथ सर्टिफिकेट लेकर चल रहे थे। वो अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि उनकी जान बच गई। गौरव का कहना है कि उन्होंने वन प्लस नॉट 2 5G को करीब 10 दिन पहले ही खरीदा था और 2-3 दिनों से ही इसे इस्तेमाल करना शुरू किया था। उन्होंने हमें बताया कि फोन ब्लास्ट के समय करीब 90% चार्ज था। तो इस तरह से आपने देख लिया कि वन प्लस नॉट 2 का फोन लेने से क्या हो सकता है। ये पहली नहीं, ये तीसरी घटना है। ऐसे दो मोबाइल पहले भी ब्लास्ट हो चुका है और ये तीसरा है जो कि वन प्लस नॉट 2 का मोबाइल ब्लास्ट हुआ है, और ये मैं नहीं, ये गूगल बता रहा है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं, अब आपको खुद तय करना है कि आप वन प्लस नॉट 2 का फ़ोन लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।